हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जायकेदार खाना। आज मैं आपको बेसन वाली शिमला मिर्ची बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने ये लगभग 300 ग्राम शिमला मिर्ची लेके इनके बीज और डंठल हटा के इस तरह के स्लाइस काट लिए हैं। एक मीडियम साइज की प्याज लेके बारीक बारीक काट लिया है। 3 चम्मच बेसन, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच से कम हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच सौंफ जिसको मैंने मोटा मोटा पीस लिया है, आधा चम्मच से कम गरम मसाला, 1 चुटकी हींग और आधा चम्मच अमचूर पाउडर, आधा चम्मच नमक। नमक हम अपने स्वाद के अनुसार रख सकते हैं। चलिए, अब जो बेसन जो मैंने लिया था इसको पहले भून लेंगे। तो मैं गैस ऑन कर लेती हूँ। इसमें हम जो बेसन डाल देते हैं और बेसन को हल्का हल्का भून लेंगे। जब इसमें से खुशबू आने लगे उतनी देर ही हम इसको भूनेंगे। हल्का सा ब्राउन हो जाएगा, लाइट ब्राउन, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है इसको। और लगातार चलाते हुए गैस को मीडियम फ्लेम पर रख के इसको भूनेंगे। ये बेसन भून चुका है, हल्की हल्की इसमें से खुशबू आने लगी है। अब मैं इसको हटा देती हूँ और इस पर कढ़ाई रख देती हूँ। अब इसमें हम एक मीडियम साइज की चम्मच से 1 चम्मच तेल डाल लेते हैं। तेल डाल के गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और तेल गरम होने देते हैं। अब इसमें हींग, गैस की फ्लेम को धीमा कर देंगे, जीरा, और मैं जी प्याज डाल देती हूँ। बेसन वाली शिमला मिर्च बिना प्याज के भी बनती है। अगर आपको प्याज पसंद नहीं है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। मैंने यहाँ प्याज डाला है, इसको मैं थोड़ी देर ब्राउन होने तक, लाइट ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लेती हूँ। बेसन वाली शिमला मिर्च बहुत इजीली और बहुत जल्दी भी बन जाती है। इसको ब्रेकफास्ट में भी हम आसानी से बना सकते हैं, सुबह सुबह पराठों के साथ, क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाती है। लंच में भी इसको खाया जा सकता है। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। अब इसमें मैं शिमला मिर्च डाल देती हूँ। गैस की फ्लेम को मीडियम करेंगे और 1-2 मिनट शिमला मिर्च भूनेंगे प्याज के साथ। शिमला मिर्च को ज़्यादा नहीं गलाना है। शिमला मिर्च और प्याज ऐसी सब्जियाँ हैं जिनको हम हल्का कच्चा भी खा सकते हैं और शिमला मिर्च हल्की कच्ची ही अच्छी लगती है। अब इसके ऊपर मैं जो मेरे पास सारे मसाले थे वो डाल देती हूँ। लाल मिर्च पाउडर, नमक, जो भी मसाले मैंने आपको बताए थे, और गैस की फ्लेम को थोड़ा धीमा करके 2-3 मिनट तक शिमला मिर्च के साथ भूनूंगी। अब हम ये बेसन डाल देंगे और गैस की फ्लेम को धीमा ही रखेंगे और जब तक चलाते जाएंगे जब तक शिमला मिर्च के ऊपर बेसन की कोटिंग अच्छे से नहीं हो जाती। सारे मसाले शिमला मिर्च के ऊपर अच्छे से लग जाने चाहिए। मसालों की कोटिंग शिमला मिर्च के ऊपर अच्छे से हो चुकी है। अब मैं 2 मिनट के लिए इसको ढककर पकाएंगे और गैस की फ्लेम को धीमा ही रखेंगे। 2 मिनट के बाद ढक्कन खोल के इसको फिर चलाएंगे और गैस को धीमा ही रखेंगे। अब मैं इसको फिर से 2 मिनट के लिए ढक देती हूँ। 2 मिनट के बाद इसको चेक कर लेते हैं। अगर आप इतनी ही उसको कच्ची खाना चाहते हैं तो गैस बंद करके इसको उतार सकते हैं गैस पे से। अगर आपको लगे कि ये थोड़ी कच्ची है तो आप इसको ढककर और पका सकते हैं। मैं इसको इतना ही पकाऊंगी और इस पर धनिया पत्ती डाल दूंगी। गैस को बंद कर देंगे और हमारी शिमला मिर्ची बनके एकदम तैयार है। आप भी इसे बनाइए और खाइए और अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।